संभल के जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह भारत गौरव अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किए गए। भारत की राजधानी दिल्ली से संचालित भारत गौरव फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष कार्य के लिए महान शख्सियों के लिए सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में फाउंडेशन द्वारा संभल के जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह को उत्कर्ष कार्यों के लिए भारत गौरव अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया। सर, आपको भारत गौरव अवार्ड से दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया था। सर, किस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया गया था? देखिए, भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको, उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए उनका नामांकन किया जाता है। प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन द्वारा उनके महासचिव के द्वारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ था कि मेरा चयन किया गया है। मुझे खुशी हुआ कि मेरे कार्यों से संतुष्ट होकर के, सहमत होकर के भारत गौरव फाउंडेशन द्वारा मेरा नामांकन किया गया था। और निश्चित रूप से इस प्रकार के अवार्ड और इस सम्मान से कार्य करने की नई ऊर्जा प्राप्त होती है और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और इसके लिए मैं भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा, मुझे इस लायक समझा कि मुझे सम्मान दिया जाए। सर, उत्तर प्रदेश से और कितने अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी महोदयों को बुलाया गया था? वहाँ फाउंडेशन के जो कार्यक्रम हुआ था उसमें तो उत्तर प्रदेश से श्री महेंद्र मोदी जी जो एडीजी हैं उनको बुलाया था उन्होंने, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो कला आर्ट की प्रतिभाएं थी, कुछ स्पोर्ट्स की थी, उसमें और सारे लोग भी आए थे। बिहार काडर से भी उन्होंने बुलाया था। तो इस प्रकार से और भी लोग आए थे उत्तर प्रदेश से, जो उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई थी। बाकी और भी लोग आए होंगे, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए थे। उत्तर प्रदेश से कहने का मतलब यह है कि केवल आप ही वहाँ जिलाधिकारी चुने गए थे। ये सर, जो सिविल सर्विस में आने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरीके का आप मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि आपको अवार्ड मिला है तो उनको भी? मेरा तो ये बिल्कुल मानना रहता है कि एक तरफ जहाँ जनता की समस्याओं को, जनता की शिकायतों को और आम लोगों की समस्याओं का निराकरण, उसको संवेदना के स्तर पर हल किया जाए, ये हमदर्दी के स्तर पर हल किया जाए, वहाँ दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक, जो पात्र अंतिम व्यक्ति है उसको ढूंढ करके, प्रयास करके, एफर्ट करके जो पात्र व्यक्ति है, बहुत ऐसे अवसर होते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, जो पात्र है, वो मेरे यहाँ तक नहीं आता है। तो रिवर्स वे में हमको उसको तलाश करके अपने लोगों से उसको, उसका योजनाओं का लाभ मिले तो उसके जीवन में नई रोशनी आती है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है और वहीं से एक नया मोड़ भी आता है और उसकी पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जन समस्याओं का, पब्लिक शिकायतों का निराकरण एक तरफ, सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना एक कर्तव्य होना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों का, जनता के जो